हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स फैब। आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम रेडियस ऑफ पाइप और ट्यूब बेंडिंग, यानी कि पाइप और ट्यूब बेंडिंग के लिए मिनिमम रेडियस कितना रखना चाहिए ताकि हमारा ट्यूब और पाइप कोलैप्स ना हो, प्लैटर ना हो और अंदर से दब ना जाए। इसको अवॉइड करने के लिए हम मिनिमम रेडियस ध्यान में रखते हैं। तो मिनिमम जब भी हम पाइप बेंड करते हैं, पाइप और ट्यूब, तो उसका आउटर पार्ट स्ट्रेच हो जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है, और इनर पार्ट कॉम्प्रेस आ जाता है। यानी इसके वजह से क्या होता है, टेंसर और कॉम्प्रेसर ट्रेसेस जनरेट होते हैं, उसके वजह से हमारा ट्यूब या तो प्लैटन हो जाता है या तो कोलैप्स हो जाता है और हमारा ट्यूब टूट जाता है। तो इस सबको अवॉइड करने के लिए हमने मिनिमम रेडियस ध्यान में रखना होता है कि हम कितना मिनिमम रेडियस से मोड़ेंगे ताकि हमारा ट्यूब कोलैप्स ना हो, खराब ना हो। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड पाइप के लिए एक दिखाया है, डायग्राम बनाया है। इसका जो डायमीटर है, पाइप का डायमीटर डी से डिनोट किया है, और इसका जो सेंटर रेडियस है वो हमें मिनिमम 3.5 टाइम डायमीटर टू 4 टाइम डायमीटर रखना चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड पाइप को बेंड कर रहे हैं तो 3.5 से लेके 4 टाइम्स इसका सेंटर रेडियस रखेंगे, या तो इसका जो रेडियस है, बेंडिंग का रेडियस, हमें 3.5 से लेके 4 तक का रखना चाहिए डायमीटर के टाइम्स। और इसी तरह अगर हम हेवी पाइप बेंड कर रहे हैं तो उस टाइम में हमारा थोड़ा मिनिमम रेडियस थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस केस में 2.5 टाइम्स टू 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ पाइप इसका मिनिमम रेडियस हो जाएगा। तो ये दो केस है जो पाइप और ट्यूब को बेंड करते हैं, जब हम स्टैंडर्ड पाइप को या तो हेवी पाइप को, तो ये दो मिनिमम रेडियस है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए होता है ताकि हमारा ट्यूब कोलैप्स ना हो, खराब ना हो और अंदर की साइड से दब ना जाए। ये सब हमने आज के वीडियो में मिनिमम रेडियस के बारे में ही बताया है। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।